Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes, kids. I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 5 लिंग के विषय में उसके प्रश्न उत्तर और एक अभ्यास का कॉपी में कराया था, तो आज मैं आपको उसी के आगे अभ्यास का 2 कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी निकालेंगे और अगर उस पेज में स्पेस है तो वहीं से लिखेंगे, नहीं तो नए पेज में अभ्यास कर दो रेखांकित शब्दों के लिंग बदल कर वाक्य को दोबारा लिखो करेंगे। तो चलिए पहला शब्द वाक्य है का धोबिन ने कपड़े धोए, धोबिन ने कपड़े धोए। तो रेखांकित शब्द इसमें क्या है, धोबिन, तो हमें इसका लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखना है। तो धोबिन का क्या हो जाएगा बच्चों, धोबी, धोबी ने कपड़े धोए, धोबी ने कपड़े धोए। उसके बाद खा है दूसरा वाक्य, पिता ने पुत्र को पीटा, पिता ने पुत्र को पीटा। अब इसमें क्या है बच्चों, दो शब्दों के नीचे रेखा खींचिए, पिता और पुत्र, तो इसको क्या बदल कर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये माता ने पुत्री को पीटा, पिता का माता हो जाएगा और पुत्र का पुत्री, पिता को माता ने पुत्री को पीटा। उसके बाद गा है, बुढ़िया सुबह से रो रही थी, बुढ़िया सुबह से रो रही थी। इसमें किसके नीचे रेखा खींची है, बुढ़िया के नीचे, तो बुढ़िया का लिंग बदलकर क्या हो जाएगा, बूढ़ा, बूढ़ा सुबह से रो रहा था। अब आते हैं घा पर, नायक चतुर था, नायक चतुर था, तो इसका क्या बनेगा, इसमें अंडरलाइन किसके नीचे, नायक के नीचे, तो नायक का लिंग बदलकर क्या हो जाएगा, नायिका, नायिका चतुर थी। तो एक बार फिर से बच्चों देख लेते हैं, धोबिन ने कपड़े धोए, धोबिन के नीचे अंडरलाइन है तो इसका लिंग बदलकर हमने क्या लिख दिया, धोबी, धोबी ने कपड़े धोए। उसके बाद दूसरा है खा, पिता ने पुत्र को पीटा, तो उसमें अंडरलाइन किसके नीचे, पिता और पुत्र के नीचे, तो इन दोनों के लिंग बदलेंगे तो पिता का माता और पुत्र का पुत्री, माता ने पुत्री को पीटा। फिर है गा, बुढ़िया सुबह से रो रही थी, तो बुढ़िया का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बूढ़ा, बूढ़ा सुबह से रो रहा था। उसके बाद घा है, नायक चतुर था, तो नायक का लिंग बदलकर क्या हो जाएगा, नायिका चतुर थी। तो ये आपके अभ्यास 2 पूरा हो गया है, अब मैं आपको अभ्यास 3 कराने जा रही हूं। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे, अभ्यास 3 निम्नलिखित शब्दों के आगे उनके लिंग लिखिए, निम्नलिखित शब्दों के आगे
उनके लिंग लिखिए। इसमें क्या होगा बच्चों, हमें लिंग लिखना है। जैसे पहला है चूहा, चूहा का लिंग क्या होगा स्त्रीलिंग, चूहिया, चूहा का चूहिया। फिर है नेक्स्ट चाचा, चाचा का क्या होगा बच्चों चाची, चाचा का चाची। फिर है शेर, शेर का क्या होगा लिंग बदलकर शेरनी, शेर का शेरनी। फिर है ऊंट, ऊंट का क्या हो जाएगा बच्चों ऊंटनी, ऊंट का ऊंटनी। फिर है मोरनी, मोरनी का क्या होगा लिंग बदल के मोर, मोरनी का लिंग बदल देंगे तो क्या हो जाएगा मोर। फिर है बैल, बैल का क्या हो जाएगा बच्चों गाय, बैल का क्या हो जाएगा लिंग बदलकर गाय। फिर है हंस, हंस का हंसनी। हंसिनी। फिर है दुल्हन, दुल्हन का क्या होगा दूल्हा, दुल्हन का दूल्हा। दूल्हा का क्या हो जाएगा, दुल्हन का क्या हो जाएगा दूल्हा। एक बार फिर से देखते हैं, चूहा का चूहिया, चाचा का चाची, शेर का शेरनी, ऊंट का ऊंटनी, मोरनी का मोर, बैल का गाय, हंस का हंसिनी, दुल्हन का दूल्हा। तो आपके लिंग के अभ्यास का समाप्त हो गए, आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। तो मैं आपको होमवर्क में एक वर्कशीट दूंगी जो आप पीडीएफ की मदद से देखकर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।